ज्योतिरादित्य सिंधिया पूरे मध्य प्रदेश में घूम घूम कर कमलनाथ पर शब्दों के तीर चला रहे हैं। सिंधिया के तर्कश का हर तीर निशाने पर लगता है। सोनिया गांधी के काम करने के तरीके से भी सिंधिया नाराज चल रहे हैं। ऐसे में उनके राजनीतिक करियर में बड़े बदलाव की बातें शुरू हो गई हैं। बीजेपी ने तो सिंधिया के स्वागत में पोस्टर तक लगवा दिए, लेकिन विजयराजे सिंधिया की 100वीं जयंती के अवसर पर सिंधिया राजघराने की जो केमिस्ट्री दिखी वो मध्य प्रदेश की सियासत के लिए किसी मिस्ट्री से कम नहीं, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया की दोनों बुआ यशोधरा राजे सिंधिया और वसुंधरा राजे भी इस अवसर पर मौजूद थीं और दोनों की सिंधिया से मुलाकात भी हुई और बात भी। वसुंधरा राजे से ज्योतिरादित्य गर्मजोशी से मिले, ऐसी गर्मजोशी पहले कभी नहीं देखी गई। विजय राजे की छत्री यानी समाधि स्थल पर इस पारिवारिक मिलन के मायने निकाले जा रहे हैं। ज्योतिरादित्य ने यशोधरा राजे को गले लगाकर अभिवादन किया, वसुंधरा से उनका हाल पूछा। तीनों के बीच लंबी बातचीत हुई और जो भी हुआ पूरी आत्मीयता के साथ हुआ। विजयराजे की छतरी पर मिले पिछले साल, विजयराजे की छतरी पर पिछले साल भी पूरा परिवार आया था, लेकिन वक्त अलग था। ज्योतिरादित्य जब आए तब वसुंधरा राजे नहीं आई और जब वसुंधरा राजे आई तब ज्योतिरादित्य नहीं थे। आर्टिकल 370 पर मोदी सरकार के फैसले का खुला समर्थन करने और फिर कमलनाथ सरकार के कामकाज पर बार बार सवाल उठाने के बाद ये मिलन कुछ कहता है और जो कहता है वो कमलनाथ की धड़कनें बढ़ाने के लिए काफी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। लोकसभा चुनाव हारे, महीने बीत गए। राहुल पहले कांग्रेस के अध्यक्ष थे, अब नहीं हैं। पहले अमेठी से सांसद थे, अब वायनाड से हैं। मतलब कि इतने महीनों में बहुत कुछ बदला, लेकिन राहुल गांधी का अंदाज नहीं बदला। नए वक्त और चुनौतियों के हिसाब से उन्हें अपने आप में बदलाव करने की जरूरत नहीं समझ में आई, इसलिए जब वे महाराष्ट्र में कांग्रेस को हारी हुई बाजी जितवाने मैदान में उतरे तो फिर वही राफेल, वही गब्बर सिंह टैक्स, वही चौकीदार चोर है जैसे नारे लगवा दिए और लौट गए। वही नीरव मोदी और वही विजय माल्या, मतलब कि राहुल गांधी जिन बातों को लोकसभा चुनाव के दौरान मुद्दा बनाने की कोशिश करते रहे आखिर में बुरी तरह से मात खा गए। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भी उन्हीं पुराने फूके हुए हथियारों के साथ मोदी के मुकाबले सामने आ गए। महाराष्ट्र में राहुल गांधी ने ताबड़तोड़ रैलियां की और पहली ही जनसभा में नोटबंदी और बैंक घोटाले का जिक्र किया। राहुल ने कहा कि मोदी बोलते थे कि नोटबंदी से भला नहीं हुआ तो मुझे फांसी पर चढ़ा देना, मगर नोटबंदी से किसका फायदा हुआ। नीरव मोदी तो भाग गया। राहुल ने कहा कि नोटबंदी जीएसटी से देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई। अकेले महाराष्ट्र में 2000 से ज्यादा फैक्ट्रीज बंद हो गई और नीरव मोदी, मेहुल चौकसी जैसे लोग देश को लूटकर फरार हो गए। जिन मुद्दों के सहारे कांग्रेस की नाव राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव में डुबोई, उन्हीं के सहारे एक बार फिर वे मैदान में हैं। लेकिन बीजेपी आर्टिकल 370 से लेकर तीन तलाक कानून जैसे नए हथियारों से लैस है और राहुल गांधी के पास इन सब का कोई जवाब नहीं। राहुल गांधी महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार करने क्या गए, कांग्रेस का झगड़ा फिर से सबके सामने आ गया। महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रभारी मल्लिकार्जुन खड़गे पर तीर चलाने वाले संजय निरुपम ने एक बार फिर ऐसा ट्वीट कर दिया कि पार्टी की फजीहत शुरू हो गई। कांग्रेस का प्रचार नहीं करने की बात कह चुके निरुपम ने ट्वीट किया और कहा कि राहुल गांधी की रैलियों में वे निकम्मा क्यों अनुपस्थित था। निरुपम ने किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन माना जा रहा है कि उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे पर निकम्मा कहकर निशाना साधा। कांग्रेस में टिकट के बंटवारे के मामले में निरुपम को किनारे लगाया गया। इससे नाराज निरुपम ने कांग्रेस छोड़ने तक की धमकी दे डाली। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि राहुल गांधी के करीबियों को एक एक करके निशाना बनाया जा रहा है। निरुपम के इस बयान के बाद भी कांग्रेस में बड़ा बवाल मचा हुआ था और उनके ताजा ट्वीट से और भी हंगामा खड़ा हो गया। अपने आप को राहुल गांधी का करीबी बताने वाले निरुपम भी राहुल की रैली में शामिल नहीं हुए, लेकिन उन्होंने खुद ही ट्वीट करके इस पर अपनी सफाई दी कि मैं किसी जरूरी पारिवारिक काम की वजह से नहीं आया, लेकिन वो निकम्मा क्यों अनुपस्थित था तो माना गया कि कांग्रेस में कलह है। मल्लिकार्जुन खड़गे को पहले ही निरुपम कांग्रेस को खत्म करने वाला बता चुके हैं। निरुपम के इस ट्वीट के बाद कांग्रेस का घमासान सड़क पर तो आ ही गया, इसका नुकसान पार्टी को भी मुंबई में उठाना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। भारत से जाते ही चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के सुर बदल गए। दो दिन के भारतीय दौरे पर चीनी राष्ट्रपति ने भारत के साथ सहयोग की बड़ी बड़ी बातें की।
लेकिन जैसे ही भारत से नेपाल की ओर गए, उन्होंने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। नेपाल के दौरे पर चीनी राष्ट्रपति ने कहा, चीन को विभाजित करने की कोशिश करने वालों को कुचल दिया जाएगा। हालांकि शी जिनपिंग का ये बयान अगर चीन में आया होता तो उसका अलग मायना होता, लेकिन ये बयान नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के साथ तिब्बत के मसले पर बातचीत के दौरान आया। दरअसल चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली शर्मा के बीच कई मुद्दों पर बातचीत हुई। इस दौरान चीन ने नेपाल में तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा के समर्थकों पर नकेल कसने की बात कही, और इसी दौरान चीनी राष्ट्रपति ने कहा कि जो भी चीन को विभाजित करने की कोशिश करेगा उसे कुचल दिया जाएगा। शी का ये बयान कहीं न कहीं भारत को ध्यान में रखकर दिया गया है, क्योंकि भारत ने तिब्बत के आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा को शरण दी है। यहीं से तिब्बत की निर्वासित सरकार चलाई जाती है। तिब्बत को समर्थन देने के कारण चीन हमेशा से भारत का विरोध करता रहा है। ऐसे में चीनी राष्ट्रपति का ये बयान चीन के बदलते रुख की ओर इशारा करता है। चीनी राष्ट्रपति के इस बयान से तो यही लगता है कि चीन के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। हरियाणा की चुनावी जंग में चूहिया और खच्चर की एंट्री हो गई है। हरियाणा की एक चुनावी सभा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सोनिया गांधी को चूहिया कहा तो कांग्रेस ने उन्हें खच्चर बताकर पलटवार किया, और खट्टर की आलोचना करते हुए उनके बयान को निम्न स्तरीय और महिला विरोधी करार दिया। असल में हरियाणा की एक चुनावी सभा में मनोहर लाल खट्टर ने कहा था कि लोकसभा चुनाव के बाद राहुल गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और कहा कि पार्टी का अध्यक्ष कोई गांधी परिवार से बाहर का नेता बने, लेकिन वे लोग 3 महीने तक नए अध्यक्ष की तलाश ही करते रहे। देश भर में घूम घूम कर तलाश की, 3 महीने बाद कौन अध्यक्ष बना? सोनिया गांधी। खोदा पहाड़, निकली चूहिया, और वो भी मरी हुई। खट्टर के इस बयान के बाद कांग्रेस ने हमले करना शुरू कर दिया। कांग्रेस ने ट्वीट करके मनोहर लाल खट्टर से माफी मांगने को कहा, तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन राउत ने कहा कि हरियाणा का सीएम खट्टर नहीं खच्चर है। उन्होंने कहा कि अगर उनको इस प्रकार का बयान देना है तो मोदी जी के बारे में देना चाहिए, क्योंकि मोदी जी के बारे में लोग समझ रहे हैं कि मोदी जी बहुत अच्छी आर्थिक उन्नति देश को देंगे, तो खोदा पहाड़, निकला चूहा के लिए मोदी जी परफेक्ट हैं। तो इसलिए खच्चर साहब को मेरा कहना है कि आप मोदी जी के लिए बोलिए ना, ये बयान हम स्वागत करेंगे। पार्टी 3 और चौटाला 4, लेकिन हरियाणा के चुनावी समर में इन चारों चौटाला के हाल खराब ही दिख रहे हैं। देवीलाल की सियासत संभाल रहे चौटाला परिवार पहले ही दो फाड़ हो चुके हैं। इंडियन नेशनल लोकदल से अभय चौटाला मैदान में हैं, तो दुष्यंत चौटाला और उनकी मां नैना चौटाला जननायक जनता पार्टी की तरफ से मैदान में हैं, जबकि देवीलाल के पोते आदित्य चौटाला बीजेपी के टिकट पर किस्मत आजमा रहे हैं। हैदराबाद में इनके सामने बीजेपी के पवन बेनीवाल हैं, तो जेजेपी ने भी मजबूत उम्मीदवार उतारा है। अभय और दुष्यंत चौटाला के बीच एक दूसरे को निपटाने के खेल में हर कहीं एक दूसरे का काम खराब होता दिख रहा है, और बीजेपी कांग्रेस की मोर्चाबंदी अलग से है। चुनावी जीत उचाना कला से दुष्यंत चौटाला खुद मैदान में हैं, लेकिन उनका मुकाबला चौधरी वीरेंद्र सिंह की पत्नी प्रेमलता से है, जो पिछली बार भी यहां से चुनाव जीत चुकी हैं। डबवाली से बीजेपी ने आदित्य चौटाला को टिकट दिया है। मोदी लहर के भरोसे उनकी हालत कुछ अच्छी मानी जा रही है। नैना चौटाला अपनी सीट बदलकर बाढ़व से मैदान में हैं, लेकिन उनका मुकाबला बंसीलाल के बेटे रणबीर सिंह से है। मतलब देवीलाल परिवार के चारों उम्मीदवारों के लिए जीत पाना आसान नहीं है। हरियाणा की बहुकोणीय लड़ाई में कौन कब किसे मात दे, ये कहना आसान नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। हरियाणा का चुनावी समर चरम पर पहुंच चुका है। पीएम मोदी एक तरफ तो दूसरी तरफ राहुल गांधी, थकी हारी हुड्डा की सेना एक तरफ तो खट्टर के जोश से भरी हुई टीम दूसरी तरफ। हरियाणा में अपनी पहली चुनावी सभा में पीएम मोदी ने कांग्रेस ही नहीं बल्कि पूरे विपक्ष का बैंड बजाया। उन्होंने कहा कि जब भी हरियाणा आता हूं तो मुझे लगता है कि मैं अपने घर आया हूं। हरियाणा का विकास और यहां के लोगों के जीवन में बदलाव हमेशा मेरी प्राथमिकता रही है। पीएम ने कहा कि देश ने जो जनादेश दिया उससे दुनिया में ये संदेश गया कि भारत का समाज अब बटा हुआ नहीं है बल्कि एकजुट होकर विकास और विश्वास की नीति के साथ खड़ा है।
इसी का नतीजा है कि भारत आज ऐसे फैसले ले रहा है जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। मैं आर्टिकल 370 की बात कर रहा हूँ। ये पूरे हरियाणा की भावना थी, जम्मू कश्मीर को हिंसा से निकालकर सद्भाव और सशक्तिकरण की दिशा की तरफ ले जाया जाए। उन्होंने कहा कि जब भी बड़ा काम करने की दिशा में कदम बढ़ाता हूँ, कांग्रेस जैसी पार्टियां दीवार बनकर खड़ी हो जाती हैं। पीएम मोदी ने वन रैंक वन पेंशन से लेकर तीन तलाक तक की वो सारी बातें की जिनसे कांग्रेस आज बचकर निकल जाना चाहती है, या फिर ये कहें कि कांग्रेस इन जैसे मुद्दों पर बात ही नहीं करना चाहती। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।